प्याज का ये पोजीशन है जी कि आज करीबन 70 गाड़ी आई है। हाँ जी। और 60 बैलेंस है, 130 गाड़ी है। अच्छा जी। बिकेगी 40-45, बहुत गिरा के बेचेंगे 50 बिक जाएगी। हाँ जी हाँ जी। ज़्यादा बैलेंस इसलिए रहा कि परसों रैक लगा था। हाँ जी। वो आया था और प्याज आज यहाँ बिक रहा है 500 रुपये से लेके। हाँ जी हाँ जी। और 700 रुपये तक, उससे कम सिर्फ राजस्थान का बिक रहा है। अच्छा जी। वो जैसा है किसी भाव भी, बाकी गुजरात के 500-600। अच्छा जी। बहुत सुपर हो 650, और महाराष्ट्र के। हाँ जी। 600 से 700, बहुत बढ़िया हो तो 750। अच्छा जी। ये पोजीशन है प्याज में। गुजरात में बहुत मंडियों में प्याज आ रही है। हाँ जी। और गुजरात की जो मंडियाँ हैं उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इतना इतना 1000 कट्टा ही बेचेंगे। अच्छा जी। तो उनके वहाँ 3-4 लाख कट्टा आने के बावजूद भी। हाँ जी। 3-4 लाख कट्टा दोनों मंडियों, 3-3, 4-4 लाख कट्टा आ रहा है। हाँ जी। पर वो बेच रहे हैं 60-70-80 हज़ार रही बस। अच्छा। जितना डिमांड होती है, जितना बिकता है। अच्छा जी। बाजार को रोकने के लिए, वरना बाजार और बुरी तरह गिर जाए। अच्छा जी। गवर्नमेंट की खरीद बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट के माल नहीं आ रहे, इक्का दुक्का गाड़ी रोज नेफेड की आ रही है। अच्छा जी। NCCF की भी एक आधी गाड़ी आ रही है। अच्छा। ये बचे बचाए हैं क्या पता नहीं। अच्छा जी। और गवर्नमेंट का माल ना आने से प्राइवेट पार्टियों का माल आ रहा है और बिक रहा है। अच्छा जी। काफ़ी बिक रहा है। हालात ऐसे लगते हैं कि जो ये बाज़ार चल रहा है ना। हाँ जी। यही अंदाज़ा चलेगा। अच्छा जी। ज़्यादा आएगा रुपये, 2 रुपये कम, कम आएगा रुपये, 2 रुपये ज़्यादा। अच्छा जी। ये अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। भावनगर तलाजा की गाड़ियाँ आई हैं। हाँ जी। वो 500-550 बिक रही हैं। अच्छा जी। बिक्री ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि आज 40-50 गाड़ी बिक जाएगी। थोड़ा वो बढ़ गया, थोड़ा आज ज़्यादा माल आया है। अच्छा जी। तो इन हालात में जो बाज़ार चल रहा है। हाँ जी। आज क्योंकि इतना बिकेगा तो कल भी बाज़ार यही रहेगा, रुपया 18 टूटा टूटा, और फिर माल नहीं आ रहा, रास्ते में इतना नहीं है। हाँ जी। तो फिर स्टैंड कर। और ये सब्जी का काम है, इसमें तेज़ी तभी माननी चाहिए जब ज़्यादा फ़र्क हो जाए। हाँ जी। थोड़े बहुत फ़र्क में कोई ज़्यादा तेज़ी आती नहीं है। गरीब आदमी तो तुरंत खाना छोड़ देता है। ठीक है जी। या कम कर देता है। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए जब पक्की खबर हो कि प्याज कम है। हाँ जी। तभी तेज़ी आएगी। ठीक है जी। इस साल मैं पहले ही बता दूं कि गवर्नमेंट प्याज ज़्यादा खरीदने वाली है इस साल। अच्छा। स्टॉक ज़्यादा करने वाली है। हाँ जी। उसका भी असर कुछ ना कुछ पड़ेगा। हाँ जी। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि प्याज का स्टॉक हर साल करना चाहिए। अच्छा जी। अपनी हैसियत के अनुसार, हैसियत से बाहर तब करो जब कोई खबर हो। हाँ जी। तेजी की, वरना हैसियत अनुसार करो। और आपके पास क्यों, सरकार बेचती है सितंबर में। हाँ जी। तो आपके पास अगस्त तक पूरा टाइम है, 4-3 महीने मुनाफा कमाने का। ठीक है। पर जी। कम मिलेगा, मिलेगा तो मुनाफा ना। हाँ जी हाँ जी। तो खा जाओ। ठीक है जी। अगर कम मुनाफे का जिसको भी पेट भरता है। हाँ जी। उसे स्टॉक करना ही चाहिए, प्याज में घाटा नहीं होता। ठीक है। क्योंकि 3-4 महीने प्याज पैदा ही नहीं होता। हाँ जी हाँ। तो यही प्याज खाया जाएगा। स्टॉक होते ही सबका खर्चा आता है, तो इसलिए सब भाव बढ़ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। किसान हो, व्यापारी हो, सबको पैसा मिलता है, पर मिलता कम है। अब जो ज़्यादा के चक्कर में है। हाँ जी। वो फिर राम जी के दरबार में है, उसके साथ क्या होगा ये पता नहीं। ठीक है। तो प्याज तो मैं कहता हूँ स्टॉक करना चाहिए, पर कम मुनाफे पे बेचना भी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है जी। अगर सारे ही रोक के रखेंगे, सितंबर में बेचेंगे जी, तो भाई साहब स्टॉक बढ़ जाएगा तो, लेकिन फिर भी पूरा नहीं बिक पाएगा। 40-50 बिकी तब भी 80 गाड़ी बैलेंस रह जाएगी। और हमारे प्याज की तेजी जो ज़्यादा आती है वो तभी आती है जब साउथ की फसल खराब हो जाए। ठीक है। अब भाई हर साल तो खराब होगी नहीं, होगी तो जरूर मिलेगा। अच्छा जी। और अगर नहीं होगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। अच्छा। प्याज जिन भी जो साथी भी लगाते हैं, जितना लगाते हैं। हाँ जी। उतना तो लगाना ही चाहिए। ठीक है जी। प्याज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 4 लाख टन खरीदा था। हाँ जी। जो अब तक खबर है 7 लाख टन के ऑर्डर हुए हैं। अच्छा जी। तो डबल ही हो गया। और वैसे भी इस साल भी 4 लाख के बाद भी सरकार ने
समय समय पर और ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ जी। और प्याज 7 लाख टन से ज्यादा ही खरीदा होता है। प्याज तो के लिए तो गर्मी की जरूरत है। अच्छा, प्याज तो पानी से बह रहा है। हाँ जी, ठंड से बह रहा है, गर्मी से प्यार है।